राजनीति के जो सपूत हैं रामविलास पासवान वो हैं सर, खाद्य सुरक्षा मंत्री और फिर से लीजिए बिहार राजनीति पर लेना सर जल्दी कीजिए ना। आपको आपको हमारे साथ इस वक्त बिहार राजनीति के जो सपूत हैं रामविलास पासवान वो हैं सर, कि जनता परिवार साथ हो गए। आप एक जमाने में बहुत ज़्यादा उनके करीब रहे थे, जो भी मुखिया बन रहे हैं या फिर जो उनके साथ हैं, अब वो साथ में हैं आप? ये सब कभी एक साथ होने वाले नहीं हैं। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ में लड़ेंगे। इनका अभी तक जो है न झंडा का पता है, न नाम का पता है, न सिंबल का पता है, तो ये क्या होंगे? ये खाली जो है सो लोगों को जो है धोखा दे रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल है कि आप साथ में हैं अभी एनडीए के, तो क्या जब चुनाव होगा बिहार में तो क्या ये? बिल्कुल, हम लोग एनडीए के साथ में हम साथ में मिल करके चुनाव ही नहीं लड़ेंगे बल्कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। बिहार की जनता है वो रामविलास को इस वक्त देख रही राजा टीवी के स्क्रीन पर। सर क्या वादा करना चाहते हैं कि जो आप केंद्र में जो आप काम कर रहे हैं, जितना अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार में अगर मौका मिला तो उसकी उसी तरह का काम होगा? बिहार में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी सरकार में रहेगी और जो जनता के सामने हमने वादा किया है उसको पूरा करेंगे। प्रवासी बिहारी जो बंगाल में रहते हैं उनको कहेंगे कि क्या बिहार में जाकर वोट देंगे? नहीं, हम तो सब लोगों को जो भी बिहार से बाहर हैं, चाहे बंगाल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जहाँ कहीं भी हो, जो बिहार के लोग हैं उनका दिल तो बिहार में ही रहता है और उसके लिए जगत ने हम तो पहले हम तो चाहते हैं कि हमारा बिहार इतना समृद्ध हो जाए कोई बाहर नहीं जाए और जो बाहर जाए तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामविलास पासवान कह रहे हैं कि उनका जो गठबंधन है वो लगातार लंबा चलता रहेगा और बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं सितंबर में, उसमें भी रामविलास पासवान जो हैं वो भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन गोपाल सतपुरा चंद्रा ताजा टीवी।